स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme 3 की। तो एक तरीके से ये Realme U1 का लाइट मॉडल है। तो देखते हैं इसकी क्या प्राइस है, क्या इसके मेन फंक्शंस हैं। देखिए वीडियो को अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करते हैं इसकी सील ब्रेक। ये हो गया अपना बॉक्स अनबॉक्स। और सबसे ऊपर हमें मिलता है ये एक सेक्शन, जिसके अंदर हमें मिल जाता है तो सिम इजेक्टर टूल। सबसे पहले तो हम इसी को निकालते हैं और एक बार यहाँ साइड में रखते हैं। और ये है एक पेपर वर्क और ये है एक रियलमी के साथ आने वाला, हर फ़ोन के साथ आने वाला सॉफ्ट केस। और इसके ऊपर मिल जाती है हमें हमारी मैन यूनिट। और मैन यूनिट को एक बार साइड में रखते हैं और देखते हैं। ये है एक चार्जर जो कि है USB 2 माइक्रो USB केबल। और ये एक पावर अडेप्टर, जिसकी अगर मैं रेटिंग की अगर बात करूं तो इसकी जो रेटिंग है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। 10 वोल्ट का ये 10 वाट का एक चार्जर है। तो अब देखते हैं हम अपनी मेन यूनिट को। कलर जो लग रहा है वो है एकदम ब्लैक और ब्लू मिक्स, शानदार कलर लग रहा है। फ़ोन को करते हैं एक बार बूट। आई होप इसमें बैटरी हो। बिल्कुल इसमें बैटरी है। अब एक बार अगर हम ओवरव्यू की बात करें, अगर फ्रंट साइड में बात करें तो यहाँ मिल जाता है हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, उसके ऊपर मिल जाती है स्पीकर ग्रिल। फ़ोन के राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड में हमें मिल जाता है यहाँ एक वो पावर बटन। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है स्पीकर ग्रिल। सेंटर में मिल जाता है चार्जिंग स्लॉट और उसके आगे मिल जाता है हमें माइक्रोफोन। और राइट साइड में मिल जाता है 3.5mm जैक। फ़ोन के अगर हम लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर बटन्स और उसके जस्ट ऊपर मिलता है हमें सिम ट्रे। हम देखना चाहेंगे, बिल्कुल ये एक नॉन हाइब्रिड है तो ट्रिपल स्लॉट सिम है इसमें, तो ये एक अच्छी बात है। मेमोरी कार्ड हम लगा सकेंगे और फ़ोन हो चुका है हमारा पूरी तरह से बूट। अभी हम इसमें फिंगरप्रिंट और फेस दोनों इनरोल करते हैं। सबसे पहले फेस इनरोल करते हैं और फेस हो चुका है एकदम फटाफट, एक सेकंड के अंदर ऑन। और अब ऐड करते हैं हम फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट चल रहा है इसमें। फिंगरप्रिंट भी अपनी हो चुकी है ऐड, साइड की ग्रिप बाकी है। ये हो गया है डन। ये हो चुका है फ़ोन पूरा एकदम से बूट। और ये है एक कलर ओ एस सिक्स बेस्ड एंड्रॉयड 9 पाई पे। सबसे पहले हम सेटिंग में जाके यही चेक करते हैं अबाउट फ़ोन। और अगर अबाउट फ़ोन में हम जाएंगे तो डिवाइस नेम आ जाएगा Realme 3, एंड्रॉयड वर्जन 9, रैम है वो 3GB की, स्टोरेज है वो 32GB, अवेलेबल है वो 19.4। ये Realme के फ़ोन में काफ़ी कम आता है स्टोरेज और अदर फ़ोन्स की बजाय। ये जो मॉडल है इसकी जो प्राइस है वो हमें मिल जाती है 8,999 रुपये में 3GB 32GB रैम और 64GB स्टोरेज लेना चाहें तो ये मिल जाएगा हमें 9,999 में। और 4GB 64GB लेना चाहेंगे तो वो मिल जाएगा हमें 10,999 रुपये में। प्रोसेसर है वो है हीलियो P70, 12 नैनोमीटर पर काम करता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा दमदार प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम सबसे पहले तो एक बार इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। मैं ये लगाया लगाते ही एकदम क्विक ओपन, ये लगाया लगाते ही ओपन, मतलब फिंगरप्रिंट तो काफ़ी फास्ट है। अब अगर हम फेस अनलॉक की बात करें तो मैं अब इसकी तरफ नहीं देख रहा और देखते ही ये एकदम क्विक ओपन हो गया है, स्लाइड टू ओपन है। एक बार हम स्लाइड टू ओपन को ऑफ करके देखते हैं और उसके बाद में हम इसको चेक करते हैं आगे। अब देखते हैं, मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा और जैसे ही देखा क्विक ओपन, स्क्रीन अब मेरे एकदम सामने है तो लॉक स्क्रीन भी नहीं आती है। तो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी फास्ट है और फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है। अब अगर हम बात करें कि छोटा सा कैमरा इसका देखें कि कैमरा कैसा है, तो कैमरा हमें एक बार इसकी एक फ़ोटो लेना चाहेंगे। और डिटेल्स देखेंगे तो बिल्कुल एकदम अच्छी डिटेल्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो कैमरा कुल मिला के ठीक है, बस U1
रियलमी U1 है उसमें कैमरा रियर है वो तो लगभग सेम सा ही है, फ्रंट कैमरा है इसमें वो कम है। रियलमी U1 में 25 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है और इसमें हमें 13 मेगापिक्सल का ही मिलता है। दूसरी जो मेन इसके अंदर प्रॉब्लम है वो है डिस्प्ले क्वालिटी। डिस्प्ले क्वालिटी है वो इसकी काफ़ी हल्की है। रियलमी U1 की जो डिस्प्ले क्वालिटी थी वो फुल HD थी और ये एक HD प्लस यानी कि 720p HD डिस्प्ले है जो कि थोड़ा इस फ़ोन को कमज़ोर बनाती है। बाकी इस फ़ोन की जो बैटरी है वो 4200 mAh की है जो कि एक रियलमी से अपग्रेड है, काफ़ी अच्छी बात है। रियलमी U1 की जो बैटरी थी वो थी 3500 mAh की और इसकी जो बैटरी है वो है 4200 mAh की। ये एक इसमें अच्छी बात है, इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी चलने वाली है। तो यही था एक इस फ़ोन का छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो, और बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुल मिला के ये फ़ोन मतलब 8,000 से 9,000, 10,000 में हर टाइप का हमें मॉडल मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात है और अच्छा फ़ोन है, ये इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो यही था वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।